class English medium school. In today's we started with our subject English. In our last lecture, we completed our unit number 5. Okay, so I hope you have to be completed in your textbook, in your fair book. Okay, now today's we started with unit number 6, the girl with magic eyes. ऐसी girl जिसकी eyes magic है. पहली बार सुना ना magic eyes. Okay, magic eyes क्या होगा? तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है दो फ्रेंड्स की. ओके, फ्रेंड्स का नाम है डेरी एंड रिया. दो फ्रेंड्स हैं और वो दोनों ऐसी फ्रेंड्स खेलना साथ, प्ले टुगेदर, गो टू स्कूल विथ टुगेदर, होमवर्क डन विथ टुगेदर, मतलब कि सारी एक्टिविटीज है ये दोनों फ्रेंड्स साथ में मिलकर करती है. खेलना, खाना पीना, लंच, स्कूल जाना, होमवर्क करना. तो ये दोनों फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड के साथ कुछ मतलब अजीब जो है वो घटना होती है. एक मतलब स्केट मैन, एक भयानक पोस्टर उसके सामने आता है जिसे देख के मतलब हम पहले ही नजर में तो डर जाए ऐसे फीलिंग आती है. इससे पोस्टर एक मतलब उसके एक फ्रेंड के पास आता है और उसे मतलब अचानक सामने से बोलता है कि क्या तुम मुझे कैन यू गिव मी वाटर, मैं बहुत थर्स्टी हुआ है, वेरी थर्स्टी, कैन यू गिव मी वाटर. कोई भी अनोन पर्सन आपके सामने आके ऐसा बोले तो आपको ऐसा फीलिंग आता है. ओके, आपकी मम्मी ने भी बोला होगा कि कोई भी अनोन पर्सन के साथ बात नहीं करनी है. तो यहाँ पे अचानक अकेली थी और कोई अनोन पर्सन के सामने आ जाता है, फिर क्या होता है, वो वाटर देती है नहीं देती है, ये सारा हम स्टोरी के अंदर देखेंगे. नाउ सो ओपन अ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44. So let we start with our unit number 6, the girl with magic eyes. So first activity number 1, look at the picture and read the story. Do the activities mentioned in the box. Okay, now observe the picture. In the first picture, two girls played with together, and in the second picture, the friends, both friends, they take lunch with together. So here the part number 1, the girl with magic eyes. Devi and Riya were very close friends. They spent a lot of time together. Here two girls, first one is the Devi and second is the Riya, were very close friend. Dono bahut achhi dost thi. They spent a lot of time together. Wo dono apna pura time, matlab ki most of time साथ में जो है वो स्पेंड करती थी. इन द क्लास थे सेट टुगेदर, ड्यूरिंग लंच टाइम थे एट टुगेदर, एंड इन द इवनिंग्स थे प्लेड टुगेदर. ओके, क्लास के अंदर साथ बैठना, लंच साथ करना, एंड इवनिंग में शाम को खेलना, प्लेड टुगेदर, वो साथ में खेल मतलब उसका जो खेलना था वो भी उसका साथ में ही था. दे सेड एवरीथिंग, उसका सारा जो है वो सेड करती थी दोनों एक दूसरे को. There was no secret between them. उसके बीच में कोई भी जो है secret वो नहीं था. वो दोनों पूरी अपनी सारी बात एक दूसरे को बता देती थी. कोई भी बात उन दोनों के बीच में जो है वो secret नहीं थी. साथ में ही रहना पूरे दिन, लंच साथ में करना, खेलना साथ में, स्कूल साथ में जाना, सारी एक्टिविटी साथ में करती थी. Here in the box answer the question. First one is the who is your dearest best friend? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोहन और मीनल. ठीक है, आप अपना आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख सकते हैं. ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो इज़ योर डियरेस्ट फ्रेंड. सो आपको अपना नाम लिख के, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के फिर आंसर कंप्लीट करना है. ब्लैंक इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ वॉट आर द थिंग्स यू डू टुगेदर? ऐसी कौन सी थिंग्स है जो आप लोग साथ में करते हो? सो वी स्टडी टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी गो टू स्कूल टुगेदर, देन वी लंच टुगेदर, सॉरी वी ऑल्सो लंच टुगेदर. सो आप लोगों को आंसर कंप्लीट करना है, पीडीएफ में मिलेगा. सो वन डे व्हेन देवी वॉज गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ रिया. ओके, रिया के साथ खेलने के बाद देवी जो है अपने घर जा रही थी. सी मेट अ स्ट्रेंज मैन जस्ट आउटसाइड हर हाउस. उसने एक मैन देखा, स्ट्रेंज इट मीन्स विचित्र पर्सन. ठीक है, जिसे देख के ही हम पहले तो डर जाए. ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक मैन उसके घर के बाहर, उसके घर के मतलब उसके घर से थोड़े दूर
बाहर एक ऐसा मैन देखा, द मैन लुक्ड टायर्ड. वो मैन मतलब देखने में बहुत थक गया है, टायर्ड है ऐसा लगता था. ही आस्क्ड देवी, उसने देवी से कहा, माई चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर. माई चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर, क्या तुम मुझे थोड़ा वाटर दोगी. देवी लुक्ड एट हिम, देवी ने उसके सामने देखा, एंड वॉज स्लाइटली स्कैर्ड, मतलब पहले तो वो डर गई, स्कैर्ड मतलब भयभीत होना. द मैन लुक्ड फ्रेटनिंग विथ हिज लॉन्ग बियर्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स. ओके, जो मैन है वो लुक्ड फ्राइटनिंग, इट मीन्स भयानक. विथ हिज लॉन्ग बियर्ड, बियर्ड इन गुजराती दाढ़ी, ठीक है, लॉन्ग बियर्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स. टॉर्न इट मीन्स फटा हुआ, फाटेला, ठीक है, फटे हुए क्लॉथ्स और उसकी जो लॉन्ग मतलब बियर्ड है उसके साथ जो वो पर्सन है वो भयानक भी दिख रहा था. सो ही हैड ब्लैंक आइज, टर्न योर पेज, ब्लैक आइज विथ सिम्ड टू होल्ड हर. ओके, उसकी आइज जो थे वो भी ब्लैक थी, एंड पहले तो जो है मतलब ये देवी वो उसके सामने मतलब देखती रह गई कि ये कैसा पर्सन है. सी लुक्ड एट हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स, वो पहले कुछ सेकंड के लिए उसे देखते रह गई, एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी उसे आंसर नहीं दिया, बस जस्ट होल्ड इट. द मैन अगेन सेड, वो मैन था जो मतलब स्ट्रेंज मैन था, विचित्र पर्सन, दे अगेन सेड, डियर चाइल्ड प्लीज गिव मी वॉटर, आई एम वेरी थर्स्टी. डियर चाइल्ड मुझे वॉटर दो, आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत मतलब आई एम वेरी थर्स्टी. दी देवी सीवर्ड, सीवर्ड इट मीन्स इन गुजराती ध्रुजवू. देवी जो है वो मतलब पूरी जो है वो डर गई थी, एंड वो डर के मारे पूरी जो है उसका बॉडी वो कांप उठा था. एज सी लिसन्ड टू हिज वॉइस, उसने उसकी आवाज़ सुनी तो पूरी कांप उठी थी. स्लोली सी चेक्ड हर बैग, उसने धीरे से अपना जो है बैग चेक किया. हर वाटर बॉटल वॉज इन द बैग, उसकी वाटर बॉटल थी वो बैग के अंदर थी, एंड इट वॉज फुल, वो पूरी जो है भरी हुई थी पानी से. सो नर्वसली सी हेल्ड इट आउट टू हिम एंड सेड, हियर यू आर. नर्वसली डरते हुए उसने मतलब बैग में से वाटर बॉटल निकाली, एंड धीरे से हेल्ड टू हीट उसको दिया, एंड सेड, बोले हियर यू आर, ये रहा. ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड, स्नैच्ड मतलब छीन भी ले वो इन गुजराती, मतलब जोर से ले लिया द वाटर बॉटल, वो पर्सन ने स्नैच्ड द बॉटल एंड ड्रैंक ऑल द वाटर, सारा पानी जो है वो पी गया इन सेकंड के अंदर ही वो सारा पानी पी गया. कौन? जो पर्सन था स्ट्रेंज मैन वो. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थिंक द मैन माइट हैव लुक्ड, आपको क्या लगता है वो पर्सन कैसा होगा. उसकी मतलब लॉन्ग बियर्ड है, लंबी उसकी दाढ़ी है, उसकी ब्लैक आइज है, फटे हुए उसके कपड़े हैं, तो वो पर्सन कैसा दिख रहा होगा जिससे देवी जो है वो पूरी कांप उठी है, उस बहुत डर गई है. ड्रॉ द स्केच ऑफ द मैन हियर, आप लोगों को यहाँ पे उसका स्केच जो है वो ड्रॉ करना है, आपके माइंड में जैसा पर्सन आता है, कोई भी भयानक पर्सन जिससे आप डर उठते हो ऐसा पर्सन यहाँ पे ड्रॉ करना है. एडेड लेबर्स टू योर ड्रॉइंग, यहाँ पे उस ड्रॉइंग में लेबल भी लगाना है. ओके, नाउ द मैन रिटर्न द वाटर बॉटल टू हर एंड सेड, अभी उसने वाटर ड्रिंक कर लिया, अभी वो जो है वाटर बॉटल उसने रिटर्न की, एंड ही सेड, थैंक यू डियर, यू आर माई एंजल. अगेन आई रिपीट, क्या बोला उसने, थैंक यू डियर, यू आर माई एंजल. मतलब ये जो गर्ल थी वो उसके लिए क्या थी, एंजल, मतलब कि कोई देवदूत है ना, उसने ऐसा कहा. Why don't you ask me for something? क्यों तुम मुझे कुछ नहीं कहती हो, तुम क्यों मुझसे डर रही हो. ऐसा कौन, किसने बोला, वो स्केच मतलब स्ट्रेंज पर्सन ने. आई कैन गिव यू एनी थिंग यू वॉन्ट, फिर वो बोलता है आई कैन गिव यू, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ. देन देवी सेज, आस्क यू मी समथिंग, आस्क यू फॉर समथिंग, मैं क्यों आपके साथ बात करूँ, मैं क्यों आपसे कुछ कहूँ, वाई शुड आई, मैं ही क्यों, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है. द मैन सेड, कम ऑन चार्ल्स, डोंट वेस्ट माई टाइम,
जल्दी करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आई एम वेरी बिजी पर्सन, यू नो, तुम्हें पता है मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, बी क्विक, फास्ट, थिंक ऑफ समथिंग यू वॉन्ट, तुम जल्दी सोचो तुम्हें क्या चाहिए, आई कैन गिव यू एनी थिंग यू आस्क फॉर, तुम जो बोलोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, एनी थिंग यू आस्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सपोज यू वेर देवी, आप देवी होते, देन वट वुड यू आस्क फॉर, आप उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आई वुड आस्क फॉर अ बिग गार्डन विथ लॉट्स ऑफ ट्री। मैं उससे क्या मांगती कि एक बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें लॉट्स ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स, फ्लावर्स, देर वुड बी मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन एंड चिल्ड्रन वुड प्ले मैरिली इन द गार्डन। नाउ टर्न योर पेज। सो देवी वॉज सरप्राइज, देवी को पहले सरप्राइज लगा, कैसा सरप्राइज? सी वॉन्डर, उसे लगा इफ ही कुड गिव एनी थिंग सी वॉन्ट्स। ओके, वो क्या सोचती है कि वो मुझे कुछ भी दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। सो वाई डिड ही आस्क हर फॉर वॉटर, तो फिर उसने मुझे क्यों वॉटर के लिए बोला? अगेन आई रिपीट, देवी क्या सोचती है सरप्राइज होके कि ये मुझे जो चाहिए वो दे सकता है, ठीक है, ये पर्सन, तो उसने उसके पास ऐसे मतलब शक्ति है कि वो मुझे जो चाहिए वो दे सकता है, तो उसने अपने लिए पानी मुझसे क्यों मांगा, ऐसा वो सोचती है, ठीक है। बट सी वॉज टू स्कैड, वो बहुत ही डरी हुई थी टू आस्क हिम अबाउट दैट, वो उसे कुछ भी मतलब नहीं कह सकती थी, और फिर वो बोलती है, सी सेड आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक, माई मदर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, मेरी माँ कहती है कि कुछ भी नहीं लेना चाहिए टू एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, कोई भी अननोन पर्सन से, कोई भी डिफरेंट पर्सन से, कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन से, मतलब कि कोई भी विचित्र आदमी से हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। बिसाइड्स आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द वॉटर, सो आई डोंट वॉन्ट, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन द रिटर्न फॉर द वॉटर, उसने वॉटर दिया था इसलिए उसके रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, सो अगेन आई रिपीट, बिसाइड्स आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द वॉटर आई गेव यू, मैंने जो वॉटर दिया उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। द मैन लुक्ड हैप्पी, वो जो मैन है वो हैप्पी होके बोला, ही सेड वेरी वेल, यू आर अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड, ओके, कोई बात नहीं, तुम वेल बिहेव्ड, मतलब बिहेव्ड मतलब तुम गुड नेचर की जो है वो चाइल्ड हो। वो रिमेंबर्स हर मदर्स वर्ड, तुम्हें तुम्हारे मम्मी के भी वर्ड्स याद है, तुम गुड बिहेव चाइल्ड हो, सो यू ऑल्सो हैव अ हेल्पिंग नेचर, तुम्हारा नेचर जो है वो बहुत हेल्पिंग है नेचर, सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैजिक आइज, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मैजिक आइज जो है वो दूँ। देवी सेड्स, मैजिक आइज, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मैजिक आइज, वो मतलब सरप्राइज हो जाती है कि मैजिक आइज, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मैजिक आइज। द मैन स्माइल्ड एंड से, वो जो मैन खड़ा है सामने वो स्माइल करता है एंड बोलता है, वेल, अच्छा, यू हैव देम नाउ, अभी तो सुन लिया ना, एज सुन एज ही सेड दिस ही डिसअपियर्ड, ऐसा बोल के जैसे ही उसने ऐसा बोला, देन ही डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब वहाँ से वो गायब हो जाता है, वहाँ से वो चला जाता है। देवी वॉज स्टंड, स्टंड मतलब शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या हुआ, ऐसा बोल के ये डायरेक्ट डिसअपियर। सी जस्ट स्टूड, थोड़ी देर वहाँ पर रुकती है, ही लाइक अ स्टैट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, जैसे कि वो कोई थिंग्स कुछ उसके साथ बन गई है, फिर वो दो तीन सेकंड वहाँ पे ठहरती है, देन सी रन टूवर्ड्स हर हाउस, वो वहाँ से अपने घर की ओर दौड़ने लगती है डायरेक्टली। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड शेयर योर आइडियाज़ विद द होल क्लास, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और अपने आइडियाज़ जो है पूरे क्लास में जो बताओ कि अभी क्या होगा। ऐसा कोई स्ट्रेंजर पर्सन, अननोन पर्सन उसके पास आके ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मैजिक आइस दूंगा, और फिर वो ऐसा भी बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, तो फिर उसने पानी क्यों देवी के पास से मांगा? ठीक है, उसके पास ऐसे जो है वो शक्ति है कि वो कुछ भी दे सकता है, तो पानी क्यों दूसरी मतलब चाइल्ड से मांगता है?
एंड ठीक है ओके उसने वाटर भी दिया, तो फिर ये मैजिक आइस ये क्या है और क्यों इसने देवी को मैजिक आइस दी और उसने ऐसा क्यों बताया कि तुम्हारा हेल्पिंग नेचर है और तुम गुड चिल्ड्रन हो। ओके सो ये सारा हम एक्टिविटी टू के अंदर देखेंगे। सो एक्टिविटी नंबर टू हमारी स्टोरी का पार्ट नंबर टू द गर्ल विद मैजिक आइस। ओके सो कंटिन्यू करनी है ना, यस और नो? सो ओके लेट्स सी। देवी रीच टू द हाउस, देवी अपने घर, आपको पता है पार्ट वन में वो दौड़ के गई। सो देवी रीच द हाउस एंड रैंग डोर बेल, घर पहुंचती है, डोर बेल रैंग करती है एंड टिल हर मदर ओपन द डोर एज सुन एज सी सो हर मदर एंड सी थ्रू अवे हर बैग एंड हग्ड हर टाइटली। जैसे ही डोर बेल बजाई उसकी मम्मी जो है डोर ओपन करने आई और जैसे ही उसने डोर ओपन किया उसकी मम्मी को देखा, अपने बैग को डायरेक्टली थ्रू कर दिया, मतलब वहाँ से छोड़ दिया एंड सी डायरेक्टली हग्ड हर टाइटली, उसकी मम्मी को हग कर लिया टाइटली। हर मदर वो सरप्राइज, उसकी मम्मी सरप्राइज हो गई, सी सेड व्हाट हैपेंड देवी, क्या हुआ देवी, एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, कम डाउन एंड टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ। देवी सेड आई हैव गॉट मैजिक आइज, मेरे पास मैजिक आइज है, मुझे मैजिक आइज मिली। वो भी सरप्राइज थी, उसे नहीं पता था देवी को कि मैजिक आइज है क्या। वॉट What do you mean by magic eyes? said her mother. उसकी मम्मी बोलती है क्या तुम्हारा कहना क्या है magic eyes, मतलब what do you mean by magic eyes? I don't know. I met a stranger near our house. फिर वो बताती है देवी उसकी माँ को कि क्या हुआ उसके साथ। I don't know, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक stranger, एक विचित्र person अपने घर के बाहर मुझे दिखाई दिया। He asked for water. उसने मुझे पानी के लिए बोला। And I gave it to him. फिर मैंने उसे पानी दिया। ही हैज़ गिवन मी मैजिक आइस, और उसने मुझे मैजिक आइस दे दी। ऐसी बात मतलब जो है पूरी रास्ते में हुई उसने मम्मी को पहले बताई। हर मदर लुक्ड वरीड, मतलब उसे चिंता होने लगी कि ये क्या। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। हैवंट आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक स्ट्रेंजर्स, मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि ऐसे कोई स्ट्रेंजर पर्सन के साथ बात नहीं करनी है, फिर भी तुम क्यों करती हो। How can somebody give you magic eyes? तुम्हें कोई कैसे magic eyes दे सकता है? Your eyes look the same to same. तुम्हारी आइज तो सेम टू सेम लग रही है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। आई डोंट सी एनी मैजिक इन them. मुझे तो तुम्हारी आइज में कोई मैजिक नहीं दिख रहा है, उसकी माँ जो है उसकी आइज देख के बोलती है। ओके सो देवी डिडंट से एनी थिंग, वो कुछ भी नहीं बोलती है। सी प्लेड फॉर समटाइम्स, वो खेलती है, देन वॉच्ड टीवी, टीवी भी देखती है, डिड हर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, हैज़ हर डिनर एंड वेंट टू बेड, फिर वो डिनर लेके अपने बेड की ओर जाती है। सी हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम दैट नाइट, उसी नाइट उससे ड्रीम में कौन आता है, वो स्ट्रेंज पर्सन जो उसे मैजिक आइज दे के चला गया था, उसने ऐसा बोला था कि तुम्हें अभी मैजिक आइज में देता हूँ, वो स्ट्रेंजर पर्सन उसके ड्रीम में आता है। ओके नाउ लेट्स सी कि वो क्या कहता है एंड वो क्या करता है। सो टर्न योर पेज। सी सो टू ब्यूटीफुल ह्यूज आइज इन फ्रंट ऑफ हर, उसने क्या देखा ड्रीम के अंदर, टू ब्यूटीफुल आइज, ह्यूज आइज मतलब बड़ी बड़ी आंखें, इन फ्रंट ऑफ हर उसके आगे देखी। एंड द आइज वेर ब्लू लाइक द सी, आइज कैसी थी ब्लू, जैसे कि सी का पानी कैसा है, ब्लू आइज। सो सी कुड सी द होल सिटी इनसाइड द आइज, उसने उस आइज के अंदर अपना पूरा सिटी जो है वो देखा। सी एंटर्ड इन टू द आइज, वो आइज के अंदर एंटर हुआ एंड सी स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट, और फिर वो स्ट्रीट के थ्रू मतलब वो चल रही है, वॉक कर रही है एंड वॉक स्टार्ट किया, वो पूरा सिटी मतलब वो घूम रही है ऐसा फील हुआ। एंड सी सो अ शॉप फुल ऑफ चॉकलेट्स, उसने एक शॉप देखी जहाँ जिसके अंदर चॉकलेट्स थी, फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, कई सारे बिस्किट्स थे। एंड हर माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग, और उसके मुंह में पानी आ गया। सी सेड प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स, क्या बोला, प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स, प्लीज़ मेरे पास आओ चॉकलेट्स। और ऐसा बोलते ही एज सी केप्ट एट लुकिंग द चॉकलेट्स, जैसे ही उसने चॉकलेट्स के सामने देखा और ऐसा बोला, द रे ऑफ लाइट कम आउट ऑफ हर आइस, उसकी आइस में से कुछ रेज ऑफ लाइट्स निकले। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा मैजिक पिक्चर्स में या फिर मैजिक सीरियल्स में, आइस में से कुछ मतलब
આમ એસે ઇન ગુજરાતી લાઇટની કિરણ કેમ નીકળી હોય એસા ઠીક હે રે ઓફ લાઇટ ઉસકી આઈસમે સે નિકલા એન્ડ ટચ ધ ચોકલેટ ચોકલેટ કો ટચ હુઆ ઓકે એન્ડ ઇમિડિયેટલી જૈસે હી વો રેઝ ઓફ લાઇટ ટચ હુઆ ચોકલેટ કો એન્ડ ઇમિડિયેટલી ક્વિકલી ધ દે સ્ટાર્ટેડ ફ્લોટિંગ ઇન ધ એર વો ચોકલેટ જો હૈ વો એર કે અંદર ફ્લોટ કરને લગી મતલબ કે તેરને લગી એન્ડ કમ ટુવર્ડ હર ઓકે વો ચોકલેટ સે ઉસકે પાસ આને લગી એર કે અંદર ફ્લોટિંગ કરતે કરતે સી કોચ ધ ચોકલેટ્સ એન્ડ ડ્રોપ્ડ ધેમ ઇન હર બેગ ઉસને ચોકલેટ પકડ લી એન્ડ ઉસકે બેગ કે અંદર રખ દી સી મેડ અ માઉન્ટેન ઓફ ચોકલેટ્સ એન્ડ સેટ ઓન ટોપ ઓફ ધેમ ઉસને ઇસ તરહ મતલબ અપની આઈસ સે કઈ સારે ચોકલેટ્સ કો કોચ કર લી મતલબ પકડ લી એન્ડ ઉસને પૂરા માઉન્ટેન ખડા કર દિયા મતલબ ચોકલેટ કા પહાડ એન્ડ સેટ ઓન ધ ટોપ ઓફ ધેમ ઓર ઉસકી ટોપ હૈ ઉસકે ઉપર બેઠ ગઈ વહાં પે સો હિયર નાવ અગેન ક્વેશ્ચન ડ્રો ટુ બ્યુટિફુલ હ્યુજ બ્લુ આઈઝ આપ લોકો કો યહાં પે બ્લુ આઈઝ બડી બડી ડ્રો કરની હૈ એન્ડ ડ્રો એન્ડ લેબલ ઇટ આપ લોકો કો લેબલિંગ કરના હૈ કે યે બ્લુ આઈઝ હૈ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ ડ્રો ધ ચોકલેટ ફ્લોટિંગ ઇન ધ એર આપ લોકો કો જબ ચોકલેટ હવા મેં તેરતે હુએ આપકે સામને આ રહી હૈ તો કેસા આપ ઇમેજિનેશન કર સકતે હો વો આપકા ઇમેજિનેશન પાવર કિતના હૈ આપકો વો આપકો યહાં પે ડ્રો કરના હૈ ડ્રો ધ માઉન્ટેન ઓફ ચોકલેટ ઓલ્સો ઓકે ચોકલેટ કા માઉન્ટેન ભી ડ્રો કરના હૈ ઓર ચોકલેટ કેસે જો હૈ હવા મેં તેરતે આતી હૈ વો આપ લોગો કો યહાં પે ડ્રો કરના હૈ નાઉ અગેન ઇન સ્ટોરી વેન સી વોક અપ ઇન ધ મોર્નિંગ વો મતલબ સુબહ જગી દેન સી રિમેમ્બર્ડ હર ડ્રીમ ઉસે અપના ડ્રીમ જો હૈ વો યાદ થા એન્ડ સ્માઇલ્ડ ટુ હર ફેસ ઉસકે ફેસ કે ઉપર એક સ્માઇલ થી સી વેન્ટ ટુ ધ બાથરૂમ એન્ડ લુક્ડ એટ ધ ટૂથબ્રશ વો બાથરૂમ મેં ગઈ ઓર વહાં પર ઉસને ટૂથબ્રશ દેખા ધેન સી સ્માઇલ્ડ ટુ હર સેલ્ફ એન્ડ સેડ ઉસને સ્માઇલ કી અપની મતલબ મિરર મેં દેખ કે ઓર બોલી પ્લીઝ કમ ટુ મી ટૂથબ્રશ ક્યાં બોલા જૈસે હી ઉસને ડ્રીમ મેં દેખા થા ક્યાં દેખા થા પ્લીઝ કમ ટુ મી ચોકલેટ્સ મેરે પાસ આવો ચોકલેટ્સ તો યહાં પે ઉસને જૈસા ડ્રીમ મેં દેખા થા વૈસા હી યહાં પે ગયા ક્યાં ગયા ઉસને પ્લીઝ કમ ટુ મી ટૂથબ્રશ મેરે પાસ આવો ટૂથબ્રશ એન્ડ ટુ હર સરપ્રાઈઝ વો ચોક ગઈ સી કુડ સી લાઇટ ફ્રોમ આઈઝ ઇન ધ મિરર ઉસને અપની આઈઝ કે અંદર લાઇટ દેખી કિસકે અંદર મિરર કે અંદર વો બ્રશ કરને કે લીએ ગઈ બાથરૂમ મેં સામને મિરર થા જૈસે હી ઉસને એસા બોલા પ્લીઝ કમ ટુ મી ટૂથબ્રશ ઓર એસા બોલતે હી ઉસકી ઉસને અપની આઈઝ કે અંદર કુછ લાઇટ્સ દેખી એન્ડ જો લાઇટ્સ હૈ ઇટ ટચડ ટુ ધ ટૂથબ્રશ એન્ડ લિફ્ટેડ ઇટ જેન્ટલી મૂવડ ટુવર્ડ હર ઉસકી આઈઝ મેં સે જો રેઝ નિકલે લાઇટ કે વો ડાયરેક્ટલી બ્રશ કો ટચ હુએ એન્ડ ધીરે ધીરે બ્રશ જો હૈ વો મૂવ કરકે ઉસકે પાસ આ ગયા ધ બ્રશ ઓલમોસ્ટ સ્ટાર્ટેડ બ્રશિંગ હર ઓકે ફિર બ્રશ સે ઉસને બ્રશ કર લિયા then lifted it gently and moved it toward her fir usne wahan pe rakh diya okay the brush almost sorry she caught hold of it and looked at in the shock wo shock reh gayi ki ye kya ho raha hai mere sath main jo bhi bol rahi hu wo mere paas aa raha hai theek hai now washed her face apna face wash kiya and looked at the towel fir usne towel ko dekha then she thought sorry usse socha લેટ મી ટ્રાય વન્સ મોર ચલો ફિર સે એક બાર ટ્રાય કરતી હું સી સાઈડ પ્લીઝ ટર્ન યોર ફેસ ફિર વો સોચતી હૈ ક્યું ના મેં ફિર સે ટ્રાય કરું લેટ મી ટ્રાય વન્સ મોર ઓર સી સાઈડ પ્લીઝ કમ ટુ મી ટોવેલ ટોવેલ પ્લીઝ મેરે પાસ આવો ધીસ ટાઈમ વેન ધ લાઈટ ટચડ ધ ટોવેલ ફિર સે ક્યાં હુઆ ઉસકે આઈઝ મેં સે રેઝ ઓફ લાઈટ નિકલે ઓર ધે ટચડ ધ ટોવેલ એ લાઇટ કે રેઝ થે વો ટોવેલ સે ટચ હુઆ એન્ડ સેન્ટ ઇટ ફ્લાઇંગ ટુવર્ડ હર ઓકે વો ટોવેલ થા વો ઉસકે પાસ ધીરે ધીરે આને લગા સી વોઝ રેડી ટુ કોચ ઇટ વો ઉસે પકડને કે લીએ રેડી હો ગઈ સી રન ટુ હર મધર એન્ડ સેડ વો ઉસકી મમ્મી કે પાસ દોડ કે ગઈ એન્ડ બોલી મમ્મી 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 ટુ કેટ માય મેજિક આઈઝ સોરી લુક એટ માય મેજિક આઈઝ મેરી આઈઝ કો દેખો બિફોર હર મધર could understand what she was saying a number of things were floating in the air in the kitchen before her mother could understand uski mummy kuch samjhe uski mummy ko kuch samajh mein aaye usse pehle to number of things kai sari things jo hai wo kitchen ke andar float kar rahi thi air ke andar
क्योंकि ये जो बोल रही है उसकी आइज मतलब उसकी आइज में से जो रेज निकल रहे हैं वो थिंग्स को टच होते ही वो थिंग्स क्या वो करने लगती है, एयर के अंदर फ्लोट करने लगती है। सो जैसे ही मतलब वो आती है उसकी मम्मी के पास बताने के लिए कि लुक एट माई मैजिक आइज, एंड उसकी मम्मी बिफोर और मदर कुड अंडरस्टैंड, वो समझ पाए इसके पहले ही द नंबर ऑफ थिंग्स वर फ्लोटिंग इन द एयर इन द किचन। ओके सो हियर यू कैन सी इन द टेबल, व्हाट थिंग्स डू यू थिंक वर फ्लोटिंग इन द किचन। आपको क्या आपका क्या सोचना है कि कौन सी थिंग्स जो है किचन की वो फ्लोट कर रही है किचन के अंदर, एंड व्हाट डू यू थिंक देवी माइट हैव सेड टू गेट देम कम टू हर। और देवी ने क्या क्या मतलब सोचा होगा कि वो मेरे पास आ जाओ, तो कौन सी थिंग्स उसके पास जो है वो फ्लोट करके आ रही है। ओके थिंग्स फ्लोटिंग, दिस इज व्हाट्स देवी सेड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन इज डन फॉर यू, फर्स्ट वन इज प्लेट्स, सो प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स, ऐसा बोला होगा ना देवी ने। तो आप लोगों को यहाँ पे दूसरी थिंग्स जो है किचन की वो यहाँ पे लिखना है, एंड फिर वो देवी ने क्या वो बोला होगा, प्लीज़ कम टू मी, और फिर थिंग्स का नेम लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है स्पून्स, ओके उसे स्पून मांगी होगी, सो प्लीज़ कम टू मी स्पून। सेकेंड नेक्स्ट ग्लासेस, प्लीज़ कम टू मी ग्लासेस। देन सोप, प्लीज़ कम टू मी शॉप। नेक्स्ट कप्स, प्लीज़ कम टू मी कप्स। देन सॉसेस, प्लीज़ कम टू मी सॉसेस। एंड बाउल्स, प्लीज़ कम टू मी बाउल्स। ओके तो मतलब वो जो भी थिंग्स बोलती है, उसे जो भी थिंग्स चाहिए उसे वो क्या बोलती है, प्लीज़ कम टू मी। ऐसा कहते ही वो थिंग्स जो है उसके पास उसकी आइस में से निकले रेज ऑफ लाइट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे टच हो गए, वो थिंग्स जो है एयर के अंदर फ्लोट करते करते इसके पास आ जाती है। ओके फिर हर मदर रेन आउट फ्रॉम द रूम एंड वोक अप हर फादर, उसकी वो रूम में से बाहर आते हैं, उसके पापा को जगाते हैं। एंड देवी रन टू द टेलीफोन, वो टेलीफोन के पास जाती है एंड कॉल्ड हर फ्रेंड रिया, अपनी फ्रेंड रिया को सब कुछ बताती है। देवी सेड रिया आई हैव गॉट अ मैजिक आइज, रिया मेरे पास मैजिक आइज है। रिया कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, रिया कुछ भी समझ में नहीं आया। सी सेड मैजिक आइज, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक आइज, व्हाट डू यू मीन बाय यू सेड, व्हाट डू यू मीन देवी सेड। देवी रिप्लाई करती है, प्लीज़ कम टू माई हाउस इमीडिएटली, प्लीज़ मेरे घर पर जल्दी आओ, लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू, चलो हम लोग स्कूल जाते हैं और फिर मैं वहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। एज बोथ ऑफ देम वॉक टू स्कूल, वो दोनों स्कूल जाते हैं। देवी सॉ रिया व्हाट शी कुड डू विथ हर मैजिक आइज, देवी जो है अपनी फ्रेंड रिया को बताती है कि उसकी मैजिक आइज से क्या क्या होता है। ओके दे वेर वेरी एक्साइटेड बाय द टाइम दे रीच द स्कूल, वो स्कूल पर पहुँचे, देवी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे पता है अभी उसकी मैजिक आइज का क्या क्या यूज़ कर सकती है वो। ओके सो यहाँ पे क्या बनता है, द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके टीचर क्लास के अंदर आती है एंड दे स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक, जो टॉपिक उसे पढ़ाना है वो बोर्ड के ऊपर राइट करती है उस दिन जो कराना था वो। एंड रिया सो अतुल, रिया ने देखा अतुल है सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ हर मेकिंग, उसके फ्रंट में बैठी थी एंड मेकिंग अ पेपर रॉकेट, अतुल ने पेपर रॉकेट बनाया एंड थ्रोविंग इट एट द बॉय इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के ऊपर जो बॉय बैठा था उसके ऊपर उसने रॉकेट बना के उसे फेंकना था, किसे, अतुल ने बनाया और फेंकना था किसके ऊपर, जो फर्स्ट रो में जो बॉय बैठा था उसके ऊपर, ऐसा कौन देख गया, रिया। ओके रिया नज्ड देवी, रिया ने किसे बताया, देवी को, वो जस्ट लुक्ड द रॉकेट एंड सेड, रिया ने क्या बोला, रिया ने जस्ट लुक उसने देखा किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर देखा एंड प्लीज़ कम टू मी अतुल, उसने क्या बोला, प्लीज़ कम टू अतुल, मतलब कि वो रॉकेट अब किसके पास जाएगा, वो बॉयज के पास नहीं फिर से ही अतुल के पास आएगा। टू एवरी वंस सरप्राइज, सबको मतलब सरप्राइज हुआ कि द रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कूड रीच टू द बॉय, जैसे ही वो रॉकेट अतुल ने फेंका तो वहाँ से वो फर्स्ट रो में जो बॉय बैठा था उसके पास जाने के बदले वो यू टर्न लेके किसके पास पहुंच जाता है, फिर से अतुल के पास। द रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच टू द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टूवर्ड द अतुल, अतुल के पास पहुंच जाता है। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक,
अतुल को जो है बहुत शौक लगा कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो जो रॉकेट बना के वो फर्स्ट रॉकेट जो मतलब बॉय बैठा था उसके पास भेजा था, तो फिर ये रॉकेट यू टर्न लेके मेरे पास कैसे आया। ओके ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फॉरवर्ड। उसने वहाँ से फिर से मतलब वो ट्राई मतलब डक करने की ट्राई की, लेकिन वो जो रॉकेट है उसके पास ही फिर से आ रहा था। ओके नाउ द टीचर टर्न बैक एंड से, टीचर जो है वो टर्न लेती है, उसे कुछ कहती है और फिर क्या होता है अतुल के साथ, और फिर रिया ने सब कुछ देखा, देवी ने जो किया, फिर उसके बाद क्या होता है स्कूल के अंदर, घर के अंदर, और फिर देवी को रिया को सब कुछ जब पता चलेगा कि देवी के पास ये मैजिक एक्स कहाँ से आई, कैसे हुई और देवी ये सब कैसे कर रही है, तब क्या होगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये स्टोरी जो है हमारी कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं कि रॉकेट यू टर्न लेके अतुल के पास आया, नाउ टीचर जो है वो क्या पनिशमेंट देती है अतुल को, क्या होता है, वो सब हम सारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एंड आज के होमवर्क के अंदर आप लोगों को जो मतलब PDF मिलेगा वीडियो के साथ, वो PDF कंप्लीट करना है, और फिर मैंने जो होमवर्क में बोला है ड्रॉ करने के लिए, स्केच ऑफ द मैन, देन स्केच ऑफ द ब्लू आइज एंड स्केच ऑफ द चॉकलेट्स फ्लोटिंग इन द एयर एंड माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स, ये सारा जो कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। ओके सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, सी यू टुमारो।